जनपद संभल के चंदौसी में जनेटा के ग्रामीणों ने पैगंबर ए इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा पर विवादित बयान देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही के लिए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पैगंबर ए इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा को लेकर विवादित बयान देने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कार्यवाही के लिए जनपद संभल के चंदौसी तहसील के ग्राम जनेटा के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तहसील पहुँचकर उप जिलाधिकारी महेश प्रसाद दीक्षित को एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि गाजियाबाद के डासना में स्थित एक मंदिर के यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा इस्लाम धर्म और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर कार्यवाही के लिए जनेटा के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जी, मेरा नाम सैयद रेहान मौजमी है। अभी आपने ज्ञापन दिया है उप जिलाधिकारी जी को, क्या मांगा? जी, हम यहाँ उप जिलाधिकारी साहब के पास ग्राम जनेटा से सब लोग इकट्ठे होकर के आए हैं और हमने ज्ञापन दिया है। ये नरसिम्हानंद सरस्वती ने जो हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो आपत्तिजनक कलिमात बोले हैं और असंवैधानिक बातें की हैं, उसके ख़िलाफ़ हम FIR दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें अपने संविधान से उम्मीद है, कानून से उम्मीद है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसी उम्मीद से हम यहाँ पर आए हैं और हमें अपने संविधान पर पूरा भरोसा है कि हमें मायूसी का चेहरा देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारा मुल्क जो है ये धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म की बात करता है। यहाँ पर हर धर्म को रहने वाले की को इजाज़त है और हर धर्म ही यहाँ पर जो है इस मुल्क की खूबसूरती की वजह है, इसलिए सब प्यार और मोहब्बत से रहें। नरसिम्हानंद सरस्वती ने इसी हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने का काम किया है और गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म करने का काम किया है। हम अपने संविधान से उम्मीद करते हैं और अपने कानूनी अमले से उम्मीद करते हैं कि हमें जो है इससे नाउम्मीदी का मुँह देखना नहीं मिलेगा और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।